तो भाइयों हो जाइए तैयार, चलते हैं हम अब माननीय श्री मनोज कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र। तो हमारे साथ हैं अंशुल भाई और हमारे मौसा जी, तो अब चलते हैं हम आगे की ओर, दिखाते हैं नज़ारा। तो आ गए हम क्षेत्र नाराट में, हमारे साथ मौसा जी हैं और अंशुल। अब देखिए आप यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, तो यहीं से आपको बता दें कि चारों तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैनरों से स्वागत अभिनंदन लिखा हुआ देख रहे हैं। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि देखिए आप रोड पे जहाँ जहाँ चूना डला हुआ है उसकी लाइन में हमें जाना है, तो आप देख सकते हो कि देखो बैनर लगे हुए हैं नेताजी के। ये हमारे माननीय श्री मनोज कुशवाहा जी का क्षेत्र है नाराट, जहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आगे की ओर, चलते चलिए भाई, भाई लोग जा रहे हैं, हम लोग धीमे धीमे देखिए आप चले जा रहे हैं। हाँ अब क्या होता है आगे देखेंगे, थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। देख लो सब लोग जा रहे हैं आगे, प्रशासन की गाड़ी जा रही है और दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह यहाँ ये व्यवस्था है। व्यवस्था तो अच्छी ही होगी क्योंकि माननीय जी हैं अपने। हाँ तो देखते हैं आगे की ओर, आप देख सकते हो लोग भारी संख्या में आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रशासनिक भी अलर्ट है और यहाँ देख लो रोड के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार माननीय जी का स्वागत होना है और उसके लिए सभी संख्याओं में लोग जा रहे हैं। तो चलते चलिए आगे की ओर, और ये देखिए हमारे पटेल साहब भी जा रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन देखिए आप, पुलिस फोर्स भी अधिक संख्या में है, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। तो आ गए हम वहाँ पर जहाँ पर माननीय जी को आना है, कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। गाड़ियाँ रखने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो ये गेट बना हुआ है देखिए आप, यहाँ खाना की व्यवस्था है देख सकते हो यहाँ पे। तो आ गए हैं हम अब वहाँ पर जहाँ पर माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आना है। तो देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार व्यवस्थाएं हो रही हैं और पुलिस फोर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आगे आपको ले चलते हैं इसी प्रकार, हम हमारे मौसा जी भी हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। तो देखिए आप हम अंदर जा रहे हैं अब, यहाँ पर जो उसका एरिया है जहाँ पर आना है उनको, वहाँ पर हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हमारे साथ हमारे मौसा जी भी हैं और हमारे अंशुल भाई भी हैं जिनको बहुत सर्दी हो गई है। और देखिए आप चलते चल रहे हैं आगे की ओर, हम आ गए पंडाल के अंदर। तो पंडाल अभी कार्यक्रम चालू नहीं हुआ इसलिए खाली कुर्सी हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में यहाँ पे दुगनी और पाँचवीं और चौथी गुना यहाँ पर संख्या हो जाती है, इतने लोग आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ कि पंडाल बहुत ही अच्छी तरीके से लगवाई है माननीय जी ने। तो आप देखिए यहाँ पे लोग एकत्रित होने लगे हैं, सुबह सुबह का टाइम हो गया है। और अब देख सकते हो आप हमारे साथ हमारे सत्यम भाई भी हैं, हमारे पवन भाई नानू हैं और हमारे अंशुल भाई भी हमारे साथ हैं, सभी लोग एकत्रित हो गए हैं एक जगह पर। ये देखिए हमारे नानू जी क्या देख रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे की ओर, फिर देख सकते हो ये भीड़ आती जा रही है यहाँ पे। तो एरिया अभी देखना आप कि कितना भर जाता है। तो देखिए आप पुलिस प्रशासन भी बहुत ही अलर्ट है। चलते हैं नानू भाई आगे की ओर, हमारे नानू भाई हमारे साथ हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर जो लोग हैं सभी एकत्रित होने लगे हैं, देखिए कितनी भीड़ भाड़ में आ गए हैं, सभी अपना काम छोड़ के माननीय जी से मिलने आए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर माननीय जी का प्यार, जो उनका लगाव है उसको देखते हुए लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं, पंडाल की भव्य व्यवस्था है, लोगों की भव्य व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे माननीय श्री मनोज कुशवाहा जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन लोगों ने और उनके साथियों ने सभी ने बहुत मेहनत की।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जो मोनिया है मोनिया का कार्यक्रम हो रहा है, अपना नृत्य दिखा रहे हैं वो लोग आगे। अभी अभी कुछ ही देर में माननीय जी आएंगे, जब तक आप कार्यक्रम देखिए। तो देखते रहिए आप यहाँ पे पंडाल, धीमे धीमे कुर्सियाँ भरती जा रही हैं, लोग एकत्रित होते जा रहे हैं, कैमरों वालों के लिए अलग व्यवस्था। और देखिए आप यहाँ पे नृत्य हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कलाकार हमारे ये उज्जैन से आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में एकत्रित है, और आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो संपूर्ण वीडियो आपको दिखाएंगे, प्रारंभ से अंत तक जरूर हमारे वीडियो देखते रहिए आप। तो यहाँ पे देखिए कैमरामैन भी हैं, और ये हमारे जयसिंह राजा जो गायक हैं ना बिरदा के, वो भी उपस्थित हैं यहाँ पे अपने स्टेज पर। तो वो भी अपना गाना सुना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बड़ी बड़ी LED जो लगी हुई हैं, और यहाँ पे अधिक से अधिक अच्छी उच्च व्यवस्थाएँ हैं। आप यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो, हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं हम माननीय जी का। ड्रोन कैमरा की भी व्यवस्था है, और देख सकते हो आप चारों तरफ बहुत ही भव्य व्यवस्था है। तो लोग एकत्रित होते जा रहे हैं, कुछ ही क्षणों में माननीय जी यहाँ पर आएंगे, अपना संबोधन करेंगे और लखपत जयंती प्रारंभ करेंगे। माननीय श्री मनोज कुशवाहा जी यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ की व्यवस्थाएँ, और हमारे सोनू भाई भी यहाँ पे हैं, जो देख सकते हो आप यहाँ पे वीडियो में। तो चलते हैं भाइयों आगे की ओर, देख सकते हो हमारे यहाँ पूरा कार्यक्रम, ये दलदल घोड़ी है देखिए, डांस करने के लिए सभी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं देख सकते हो आप। यहाँ पर लोग एकत्रित होने लगे हैं माननीय जी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए, माननीय जी का स्वागत करने के लिए। तो जो वादा किया था वो जरूर पूरा होगा, श्री मनोज कुशवाहा जी ने वादा किया था कि उड़ान खटोला नाराट में ही उतरेगा, तो वो आज उतरने ही वाला है कुछ ही क्षणों में। लोग बहुत ही बेचैन हो रहे हैं देखने के लिए, उनके लिए देख ली आप देख सकते हो, उनके लिए सिग्नल जो हुआ वो भेज दिया गया है, सिग्नल उड़ान खटोला उतरने के लिए सिग्नल आप देख सकते हो कर दिया गया है। यहाँ की जो भीड़ देख के आपको लग रहा होगा कि वास्तव में कितना प्यार है माननीय के संदर्भ में। तो